और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ताजमहल से, जहां ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। दिल्ली आई आर पूर्वी गेट तक पहुंची, दिल्ली से आई कार पूर्वी गेट तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से आई इनोवा कार ताजमहल के पूर्वी गेट तक पहुंची, जहां कार का प्रतिबंध है, किसी भी गाड़ी का प्रतिबंध है। ताज की सुरक्षा में इस कार ने सेंध लगाई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि सुरक्षा पर, ताजमहल की सुरक्षा और सुविधा पर सवाल उठे हैं। दिल्ली से एक कार आई जो कि पूर्वी गेट तक जा पहुंची। आखिरकार कैसे वो कार पहुंची, अधिकारियों ने क्या किया, अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इस पर हम जुड़ते हैं संवाददाता गोपाल शर्मा के साथ। गोपाल, क्या वजह रही जो ताजमहल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ताजमहल की सुरक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि दिल्ली से जो कार आई, इनोवा गाड़ी आई, वो ताज पूर्वी गेट तक जा पहुंची। कैसे जा पहुंची ये कार? ऐसे आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि ताजमहल का जो जोन है, जो रेड जोन है, तीन जोन में इसको डिवाइड किया गया है, येलो जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन। तो जो येलो जोन है उसको पार करते हुए एक जो बाहर से जो दिल्ली की जो इनोवा टैक्सी परमिट जो गाड़ी थी वो ताज के पूर्वी वीआईपी गेट पर पहुंच गई। तो उसमें एक बहुत बड़ी चूक देखी जा रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहुंचने के लिए दो बैरियर का जो पोस्ट, चेक पोस्ट मिलते हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँचती है। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि ताजमहल के पूर्वी गेट से ये गई थी। जैसा कि गोपाल आपने बताया कि दो चेक पोस्ट होते हैं, क्या उस दौरान कोई सुरक्षा कर्मी वहाँ मौजूद नहीं था क्या? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ताज सुरक्षा पुलिस के कई सारे जवान वहाँ देखे जा सकते थे। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले एक जो सी न्यूज ने खबर को प्रकाशित किया था, जिसमें दिखाया गया था कि ताज की सुरक्षा में जो वहाँ जो कर्मचारी बैठे रहते हैं वो मोबाइलों में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो बैरियर पर जो सुरक्षा कर्मी वहाँ होते थे वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाते हुए देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरों में ये टैक्सी वहाँ पर नजर आ रही है, तो ताज सुरक्षा पुलिस ने इस पर क्या कार्यवाही की या कोई संज्ञान लिया? देखिए, इसके बाद अगर जिस तरह से इससे पहले पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो गई हैं कि जो जो सुरक्षा सेंस है वहां पर पार करके, यानी कई सारे वाहन अंदर आ चुके थे, तो वो उनको कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया के तौर पर इनको कर दिया जाता है, एक चालान करके इनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि गाड़ी कहाँ तक जानी है या क्या कहाँ पार्क करनी है, तो इस तरह से कई चूक हो जाते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वहाँ कई सारे जो सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं और बैरिकेडिंग लगी होती है, जिग-जैग बैरिकेडिंग दिखाई देती है, तो उसके बावजूद भी इस तरह की ताजमहल के पूर्वी गेट तक ये गाड़ी पहुंचना एक बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। ये है। और आपको गोपाल, अभी तस्वीरों में देखा जा रहा है कि जो ये टैक्सी खड़ी है उसके साथ साथ बराबर से एक और गाड़ी निकल कर गई है, क्या वो पास द्वारा निकली है या किसी ने वीआईपी गाड़ी है? नहीं, आपको ये जिस तरह से आपको बता दूं कि ताज के सुरक्षा, ताजमहल के आसपास का जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एक पास इशू करा जाता है, जिसको परमिट मिला जो अपने, होता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो जो परमिट मिला होता है वो, तो वो वहाँ से जो टैक्सी, वो जो स्थानीय लोग होते हैं तो वहाँ से गुजरना होता है। तो जो साथ में जो गाड़ी है उसका तो कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग थे उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी। यानी कि ताजमहल के आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको परमिट मिला हुआ है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को ये प्रतिबंधित है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि विश्वविख्यात इमारत ताजमहल पर, ताजमहल की सुरक्षा पर कड़े सवाल उठे। ताजमहल की सुरक्षा में आज चूक देखी गई। दिल्ली से आई एक टैक्सी जो कि इनोवा थी, वो ताजमहल के दायरे में वहां पहुंच गई जहां गाड़ियां प्रतिबंधित है, बाहर से आई हुई गाड़ियों पर रोक है, वो वहां देखी गई और ताज सुरक्षा पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी रही। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।